बस अभी अभी देखा है मैंने लास्ट एपिसोड, और सच में यकीन नहीं हो रहा इस हद तक चीजें चली गई हैं। एक तरीके से जब एरन का प्लान हमारे सामने आया था तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि यार इस बंदे के पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव प्लान होगा, ये पूरी दुनिया को खत्म नहीं करेगा। लेकिन लास्ट एपिसोड में एरन अपनी सोच भी बता रहा है। देखो एरन के साथ ये सब क्यों हुआ, उसने ये प्लान क्यों बनाया, एलिडियंस गए थे बात करने के लिए कि भैया हमें स्वीकार कर लो, लेकिन नहीं, लोगों ने जैसे उनके साथ ट्रीट किया, जैसे उनके साथ बिहेव किया, उन्होंने लोगों की जैसी सोच देखी, भाई साहब लोग उनको मतलब नफरत के अलावा उनको राक्षस मानते हैं। उनको लोगों का मानना है कि एलिडियंस को अगर स्वीकार कर लिए ये तो वापस दुनिया पे कब्जा कर लेंगे जैसे पहले किया था इन्होंने। तो एक जो सोच बनी हुई है लोगों की वो बहुत ज्यादा हिट करती है एरन को, और एरन एक फैसला करते हैं कि भाई मैं अपने आईलैंड के लोगों को छोड़कर बाकी की दुनिया को खत्म कर दूंगा। भाई ये जो प्लान वो बनाता है सच में दिल को हिला के रख देने वाला प्लान है। तो बहुत भयंकर एपिसोड रहा है लास्ट एपिसोड जो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अब तो गई, मतलब रंबलिंग जो कर रहा है वो भैया इसको रोक ही नहीं पाएंगे। हाँ डेफिनेटली उसके दोस्त आ रहे हैं उसको रोकने, लेकिन सवाल ये है कि उसको रोकेंगे कैसे, क्योंकि एरन की सोच जो बन गई है यार उसको बदल पाना तो मुझे जहां तक लगता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एरन का मानना यही है कि भैया एक ही तरीके से मैं अपने लोगों को मतलब बचा सकता हूं कि पूरी दुनिया को खत्म कर दें ताकि कोई नफरत करने वाला रहे ही ना। मतलब क्या सोच अपनाई है बंदे ने। देखो अब कहीं ना कहीं जो हमें एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है एरन के इस तरीके का बिहेव करने का कि भाई लोगों ने जैसे ट्रीट किया है, नो डाउट कि भाई एलिडियंस गए थे, उन्होंने शांति की बात की थी, लेकिन जैसा बिहेव उनके साथ किया गया है, जैसे ट्रीट उनके साथ किया गया, तो एरन कहीं ना कहीं ये मानने के लिए विवश हो गया कि यार ये नहीं बदलने वाले, चाहे कुछ भी कर लो ये नहीं बदलेंगे। अब ये गलती तो मैं कह सकता हूं कि जो लोग हैं जिन्होंने एलिडियंस को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार कर लेते हैं हंसते हंसते, तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह सकता कि एरन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। भाई जैसे उसकी माँ की जो डेथ हुई थी, जैसे उसके माँ को टाइटन कहा गया था, ऐसे ही पता नहीं कितने ऐसे बेकसूर लोग होंगे जिनकी जान एरन ले लेगा। बट जो भी हो भाई ये सीरीज बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाली है। जैसे कहा भाई पार्ट टू खत्म हो चुका है और पार्ट थ्री आने वाला है, मतलब अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 में पार्ट थ्री आएगा। भाई पहले तो एक एक एपिसोड के लिए तरसो, फिर अगले पार्ट के लिए एक एक साल तरसो। भाई ये तुमने पार्ट पार्ट क्या लगा रखा है, सीधा सीजन डिक्लेयर कर दो ना यार, पहले पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, ये क्या है, मतलब सीजन सिक्स ही सीजन फोर, तो ये फोर्थ है ना, फिफ्थ सिक्स सीजन कह दो ना उसको। देखो जहां तक मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि एरन को मारना ही पड़ेगा मतलब मैं अपनी प्रिडिक्शन लगा रहा हूं, कुछ भी लगा ही सकते हैं आप, अपने लगा सकते हैं, मैं अपने लगा रहा हूं। तो मुझे जैसे लग रहा है कि भैया इस बंदे को खत्म करना पड़ेगा तभी ये रुकेगा, वरना भाई ये नहीं रुकने वाला। और लास्ट के एपिसोड में जो एरन का जो टाइटन का रूप आता है, देखो जब ये बना था मतलब इसको टाइटन फाउंडर टाइटन की जैसे पावर मिलती है, और जब ये कन्वर्ट होता है टाइटन के अंदर, एक पूरा ही जबरदस्त मतलब उसको क्या कहें कि मेन टाइटन कह सकते हैं उसको, तो अब वो जब दिखता है बहुत भयंकर यार वो एपिसोड, मतलब कि जो लास्ट में एपिसोड में जो सीन मैंने देखा है, ओहो भाई यार मैं उस एक्सपीरियंस को कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब सारे कोलोसल टाइटन जो हैं वो अब किनारे पे खड़े हैं, अब यहाँ पर जो है वो देश स्टार्ट हो चुका है, अब अगला कदम पूरी मतलब वो जो जो भी देश है या फिर जो भी कंट्री छोटी मोटी है उसको खत्म करने की कगार पे आ गए हैं। और मतलब यार जो फाइटिंग थोड़ी बहुत उसमें देखने को मिल रही है ना, बहुत भयंकर। मतलब ये जो लास्ट एपिसोड है ना, गार्डन गार्डन हो गया दिल इस एपिसोड को देखकर, बहुत बढ़िया लगा है। बार बार मैंने बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसके अलावा मुझे कोई शब्द सूझ ही नहीं रहा कि क्या बोलूँ मैं फिर से आ रहा है कि बहुत जबरदस्त। भाई मेरे को बहुत पसंद आया है और अब इसके लिए पार्ट थ्री का वेट करना पड़ेगा। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं, जब आएगा तब देख लेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदें लगाई जा रही थी कि एक मूवी आएगी या एक दो पार्ट और आएंगे या फिर शायद इसको यहीं रोक दिया जाएगा। देखो मुझे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैं श्योर था कि नहीं यार ये यहीं नहीं रोकेंगे, क्योंकि बहुत गलत होगा अगर इस सीरीज का एंड नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर जो मूवी थी, काफ़ी ज़्यादा कयास लगाया जाते कि मूवी आएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि पार्ट थ्री आएगा। तुम मज़े लेकर देखो कि पार्ट थ्री में लगभग जहाँ तक बताया जा रहा है, रूमर है, मैं अब
कोई इसको नहीं कह रहा हूं कि ये सच है कि 36-39 एपिसोड तक मतलब होने वाले हैं टोटल, नहीं 36-39 क्या बोल रहा हूं मैं। खैर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा, ये पूरा पार्ट जो आपने देखा है, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो तुम एक बहुत एक जबरदस्त, फिर से जबरदस्त बोल रहा हूं, क्या करूं यार मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी बढ़िया एक एनिमे सीरीज मिस कर रहे हो। स्टार्टिंग से लग जाओ फर्स्ट सीजन से और सीजन 4 के पार्ट 2 को देख लो, मतलब लास्ट तक, पार्ट 3 आएगा तब तक देख लेना जब आएगा, तो भाई तुम मतलब एक बहुत जबरदस्त सीरीज मिस कर रहे हो, जाकर वो देखो। मैं तो जो डेफिनेटली रिकमेंडेड करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।